तो दोस्तों, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे स्क्रीन के, मतलब जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एनडीए के सीरीज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि आपका जो एनडीए का जो एग्ज़ाम है, एनडीए का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब आने वाला है, एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब आने वाला है। आपको पता है कि नेक्स्ट जो एनडीए का है, एनडीए 2 जो है वो नवंबर मंथ में, जो एक्चुअली जनरली सितंबर मंथ में होता है, वो एनडीए का एग्ज़ाम कब हो रहा है, नवंबर मंथ में हो रहा है। तो नवंबर मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 14 नवंबर के आसपास अपना एग्ज़ाम है, तो आई थिंक 14 नवंबर को ही है। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम क्विक रिवीजन के साथ अच्छे से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम बायोलॉजी का पार्ट ले रहे हैं, और बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इजी लेसन है कि इस लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या दिखाई देती है। डाइवर्सिटी मीन्स जैसे कि हमारे इस इंडिया में डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वैसे ही बायोलॉजी के अंदर 3 डिपार्टमेंट आता है। सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी और तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। अब बॉटनी, बस आपको एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। एग्ज़ाम के लिए आपके नोट्स में ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है थियो फ्रैटस। ऐसे याद रखना, थियो फ्रैटस, फ्रेजे से याद रखना, फ्रेज वर्ड से आपको याद हो जाएगा बॉटनी, थियो फ्रैटस। मैं साथ में आपको लर्निंग वर्क भी कराते जाऊंगा, समझ में आए कि नहीं, मैं आपको लर्निंग वर्क भी कराते जाऊंगा। तो नेक्स्ट है जूलॉजी, जूलॉजी का जो फादर है उसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोल जिन्हें हम कंसिडर करते हैं जूलॉजी के फादर के रूप में। और जो थर्ड जो है जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम माइक्रोब्स की जो स्टडी करते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे एंटोनी वैन लीव वैन हॉक। अब यहाँ पे इतना आपको नहीं याद हुआ था, एंटनी आप याद रखोगे, एंथनी भी याद रखोगे तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। देन देखो बायोलॉजी के, आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी का जनरली 15 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में से। तो जनरली आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। नोट्स भी अगर आपको कुछ डाउट होगा, नहीं बनाने आ रहा होगा, तो आप कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, मतलब मुझे भी पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश क्या है। तो फर्स्ट पेज इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉपिक में स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो बेसिक से पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं पूरे टॉपिक को सिस्टमेटिक सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो यहाँ पे लिविंग दिख रहा होगा और दूसरा है यहाँ पे नॉन लिविंग। अब लिविंग मतलब आपको पता होगा कि जिसके अंदर हम अपने नॉर्मल से अगर लैंग्वेज में हम बात करें, नॉर्मल से अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बोलेंगे जिनके बॉडी में, मतलब जिसके बॉडी में क्या रहेगा कि जो जान होता है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, पर अगर जिसके बॉडी में जान नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। तो आप इन जनरल ये छोटी चीज़ें हैं। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि उसका शेप और साइज, जैसे कि अभी समझो हमारा खुद का शेप और साइज होता है, नॉन लिविंग जो है उनका खुद का शेप और साइज नहीं होता। ग्रोथ जो है हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है और इनका किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पे ला दिया तो ये पेन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके अंदर कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा। बट हमारे अंदर, हम जब छोटे थे और धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होगा, चेंजेस दिखाई देगा, समझ में आए। नेक्स्ट इसके बाद है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मतलब एनर्जी बस गेन करने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें तो होगा जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होंगे। देन एक्सक्रीशन, इसके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि बेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं। देखो बेसिक से जो पढ़ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और एक्सक्रीशन जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता है। देन लाइफ स्पेन जो हमारा है, हमारा खुद का एक लाइफ स्पेन होता है, हमारा डेथ भी होता है, पर नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस किसी प्रकार का कोई डेथ नहीं होता। देन एडेप्टेबिलिटी, हमारे अंदर एक जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर एक एडेप्टेशन आता है, पर नॉन
लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार का कोई भी एडेप्टेशन नहीं आता है। न्यूट्रिशन हमारे अंदर, हम फूड लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटी को हम क्या करते हैं परफॉर्म करने के लिए, देन मूवमेंट एंड लोकोमोशन हमारे अंदर क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, बट ये सब चीज़ें किसके अंदर एबसेंट होता है, ये सब चीज़ें किसके अंदर एबसेंट होगा, नॉन लिविंग में। देन यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, रिप्रोडक्शन, आपको पता है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होता है और नॉन लिविंग में नहीं होगा, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। रेस्पिरेशन होगा उसमें नहीं होगा। इरेटिबिलिटी, एक्चुअली इरेटिबिलिटी को अगर आप सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन, पर यहाँ पे चिड़चिड़ापन की बात नहीं है। इरेटिबिलिटी मतलब ऐसा कि जैसे कि अगर समझो उत्तेजना हम बोलते हैं ना, कि अगर हमने जैसे कि हमें किसी ने टच किया तो हमें पता चल जाता है, बट नॉन लिविंग को ऐसा एहसास नहीं होता। देन दोस्तों इसके बाद तो जनरली ये सब पॉइंट बस बेसिक आपको समझ लेना है। अब देखो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, प्रोटोप्लाज्म, जनरली प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको आइडिया होता तो इतना पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। देखो जहां से जरूरी है, सेल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है पता है, दोनों डायग्राम को सिस्टमैटिक पढ़ लेना है कि डायग्राम के अंदर क्या होगा, कहाँ पे वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बाद में फिर यहाँ पे सेल वॉल होता है, जैसे कि प्लांट सेल जो होगा तो उसके बाउंड्री को हम वहाँ पे क्या सेल वॉल कंसिडर करते हैं, पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद करके रखना है। देखो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो बीच में चीज़ें दिख रही है दोनों में, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइजोसोम है, और यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है दोनों में, जैसे सेल वॉल इसके अंदर मेन बेसिक तो ये याद रखो, इसके अंदर सेल वॉल होगा, इसके अंदर सेल वॉल क्या होगा एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, तो इसके डायग्राम को आपको स्टडी करना है ना कि आपको इस पार्ट को। और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपको पता ही है। देन सेकेंड थिंग न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन आपको पता है कि न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो हमें क्या करें, न्यूट्रिशन हमारा एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं एनर्जी गेन करते हैं। हम क्या करते हैं न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काट लेना मतलब ब्रेक डाउन करना, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है कि सब्सटेंस को बनाना। तो मेटाबॉलिज्म में ये दोनों चीज़ आती है, और दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी आपको आपके एग्जाम के लिए। देखो मैं आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में आपको बस ये चीज़ें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये दो प्रोसेस आपको इसके अंदर बस पता होना चाहिए। जितनी चीज़ें आपके मूवमेंट से रिलेटेड आपको एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवमेंट आपको पता है। हाँ, प्लांट्स शो द मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स एंड ऑर्गेन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज सनलाइट। देन इसके बाद ग्रोथ से रिलेटेड, ग्रोथ आपको पता होगा, द इंक्रीज इन शेप साइज एंड ड्राई वेट ऑफ लिविंग बींग, मतलब कि हमारा जो साइज शेप अगर इंक्रीज होगा तो उसे ही हम ग्रोथ बोलेंगे। तो इसका भी रिप्रोडक्शन तो आपको पता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग बींग कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग इन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसे ही सेम लिविंग बींग को हम अगर बर्थ देते हैं। एडेप्टेशन के बारे में भी आपको पता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं जो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन आपको पता है कि हमारे बॉडी से हम टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं बाहर आउट करते हैं, जिसे ही हम क्या बोलेंगे एक्सक्रीशन करते हैं, जो हमारे अंदर पाया जाता है। देन लाइफ साइकिल, ऑल लिविंग प्रोसेसेस द डेफिनेट लाइफ साइकिल विच इज द साइकिल ऑफ बर्थ रिप्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द डेथ। एक हमारा रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है, आपको पता होगा कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जो हम फिर हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या नहीं होता, हम कैपेबल नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये एक पूरा का। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि होम्योस्टेटिस का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटरी इन स्टेडी स्टेट। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब कि हम अपने इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने बॉडी को खुद बैलेंस कर लेते हैं आउटर इन्वायरमेंट से, इसे ही हम क्या बोलते हैं होम्योस्टेटिस। बाद में यहाँ पे आपको पॉइकिलोथर्मिक दिखाई दे रहा है। पॉइकिलोथर्मिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन करते हैं, जैसे जस्ट लाइक एम्फीबियन, रेप्टाइल और इंसेक्ट, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पॉइकिलोथर्मिक। बाद में होमियोथर्मिक मतलब क्या होगा कि जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं करते, इन्वायरमेंट उनके बॉडी के टेम्परेचर को अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं मैमल्स, उसे हम बोलते हैं होमियोथर्मिक, फॉर एग्जांपल मैमल्स एंड एफ्स। और उसके बाद जिसको
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लॉन्ग स्लीप विंटर के अंदर लेते हैं उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। याद रखना, हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप और दूसरा होता है एस्टिवेशन, मतलब समर स्लीप। तो यहाँ पे ये लास्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं आपके एग्जाम के लिए। ये सब चीजें आपके नोट्स में आप लिख लो, जितना छोटा आपका नोट्स होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने सेशन को आज का रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से थैंक्स, जितना हो सके उतना आप हमारी इस वीडियो को शेयर करो। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर वीडियो चाहिए एनडीए के रिलेटेड, ये सीरीज हमारी चालू हो गई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ो जिससे हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।